इंपरेटिव सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस में प्रेयर, निगेशन, एडवाइस, ये सो होती हैं। प्रेयर, प्रार्थना, निगेशन, निषेध, एडवाइस, सलाह, सजेशन, ये सब इंपरेटिव सेंटेंस से सो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं, यानी कि यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल ओपन द गेट, ओपन द गेट, अभी ओपन क्या है वर्ब है, वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट है द गेट। अब इस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यू हैव टू कंप्लीट लेट द गेट बी ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन, इस प्रकार ये बनेगा। तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें जो सब्जेक्ट है यू वो अंडरस्टूड होता है। दूसरा, यदि हमारा सेंटेंस में कोई प्रेयर दी हुई है, कोई रिक्वेस्ट दी हुई है, तो वो रिक्वेस्ट का सेंटेंस प्लीज से प्रारंभ होगा, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दो। यार ये पोलाइट वर्ड प्लीज भी हो सकता है, काइंडली भी हो सकता है, सर भी हो सकता है, मैडम भी हो सकता है, बॉस जेंटलमैन हो सकते हैं। यदि इस पोलाइट वर्ड से स्टार्ट है कोई इंपरेटिव सेंटेंस, तब हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब इतना लिखने के बाद ये जो प्लीज है, काइंडली है, सर है, मैडम है, ये वर्ड को रिमूव कर देते हैं और आगे का पार्ट सेम जोड़ देते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, टू गिव मी योर पेन। इसके बाद देखेंगे यदि किसी सेंटेंस के द्वारा कोई निगेशन शो हो, फॉर एग्जाम्पल डोंट, डोंट प्लग द ब्लोअर, ये कोई सेंटेंस दिया हुआ है, डोंट प्लग द ब्लोअर, डोंट टच द टीवी, तो ऐसे सेंटेंस में दो तरह से बनाते हैं, या तो फॉरवर्ड से बनाएंगे, यू आर फॉरवर्ड, आपको मना किया जाता है, तब ऐसे में पूरा डोंट हट जाता है, डोंट या नेवर जो भी होगा यहां पर निगेशन का वर्ड वो पूरा हटाएंगे। यू आर फॉरवर्ड टू प्लग द ब्लोअर, फॉरवर्ड मना करना, इनकार करना, तो यू आर फॉरवर्ड अपने आप में निगेटिव शब्द हुआ, यू आर फॉरवर्ड टू प्लग द फ्लोवर, ये आपका क्या हुआ। अब यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट है द फ्लोवर, ऑब्जेक्ट है द फ्लोवर, हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हम क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट के होने के कारण हम इसे लेट से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें नोट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट द फ्लोवर नॉट बी प्लग, यानी लेट का प्रयोग किया, ऑब्जेक्ट हमारा क्या था फ्लोवर, उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, टू हट जाएगा, नॉट बी प्लग, ये इस प्रकार हमारा पूरा स्ट्रक्चर होगा।
नेक्स्ट यदि सेंटेंस लेट से प्रारंभ है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी गो होम, ऐसे सेंटेंस में यदि लेट के साथ मी का प्रयोग है तब लेट मी गो होम का मतलब यहां पर रिक्वेस्ट की जा रही है। जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड से बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट, या लेट वर्ब है इसलिए टू से जुड़ जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड यहां तक ही पैसिव हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड आपसे विनती की जाती है टू लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दीजिए। नेक्स्ट कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कोई जरूरी नहीं है कि बाय का प्रयोग हो, जैसे इट इज टाइम टू क्लोज द विंडो, ये सेंटेंस आपको दिया हुआ है, यू हैव टू चेंज इट टू पैसिव, इट इज टाइम टू क्लोज द विंडो। इसी पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां तक के पार्ट को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, इट इज टाइम, इट इज टाइम किसके लिए, फॉर द विंडो, फॉर से जोड़ेंगे, इट इज टाइम फॉर द विंडो टू बी, यहां टू बी आएगा, इट इज टाइम फॉर द विंडो टू बी क्लोज। अब इसमें कहीं भी बाय का प्रयोग नहीं हुआ, ऐसे भी सेंटेंस आएंगे जिसमें कहीं बाय का प्रयोग नहीं होगा, इट इज टाइम ये समय है फॉर द विंडो खिड़की के लिए टू बी क्लोज बंद किए जाने का। और देखिए हैज टू बस हिज क्लॉथ्स ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ही हैज टू वॉश हिज क्लॉथ, उसे अपने कपड़े धोने पड़ते हैं। अब वो कहता है चेंज इन टू पैसिव, ही हैज टू वॉश हिज क्लॉथ्स, तो हिज क्लॉथ्स हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाइए, हिज क्लॉथ्स। अब उसके क्लॉथ्स के अनुसार हैव आएगा या हैज ये देखेंगे, यहां सिंगुलर था सब्जेक्ट ही तो हैज का प्रयोग, यहां सब्जेक्ट प्लूरल है क्लास तो क्या आएगा हैव टू बी, जहां भी टू का प्रयोग होगा हैज टू हैव टू विल हैव टू शैल हैव टू तब वहां पर बी का प्रयोग होगा। और ये जो मेन वर्ब है इसी थर्ड फॉर्म वाज वाई ही का ऑब्जेक्ट थिंग। एक सेंटेंस और बता रहा हूं इसी प्रकार का, मान लीजिए ही या हरी लिख लेंगे यहां पर, हरी विल हैव टू कंप्लीट हिज नोटबुक, सेंस हुआ हरी को अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे हिज नोटबुक पूरा लिखेंगे, यहां पर हिज का ही नहीं आएगा, जो भी यहां नाउन के साथ पजेसिव केस जुड़ा होगा वो